दोस्तों आईपीएल 2021 खत्म हो चुका है और आईपीएल 2021 की विनर टीम चेन्नई सुपर किंग रही है और चेन्नई सुपर किंग को 20 करोड़ रुपए मिले, तो वहीं फर्स्ट रनर अप कोलकाता नाइट राइडर्स को 12.5 करोड़ रुपए मिले। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईपीएल 2021 के सभी अवार्ड्स की, कौन से खिलाड़ी को कौन सा अवार्ड मिला और उसको कितने रुपये मिले, सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहना और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। वैसे दोस्तों आप मुझे इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं टॉप 4 टीमों की जो प्ले ऑफ में पहुंची। तो विनर टीम चेन्नई सुपर किंग ने जिसको 20 करोड़ रुपीज मिला, उसके बाद फर्स्ट रनर अप कोलकाता नाइट राइडर्स जिनको 12.5 करोड़ रुपीज मिला, उसके बाद दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को 8.5 करोड़ रुपीज मिला। अब बात कर लेते हैं पहला अवार्ड जो कि ऑरेंज कैप का। ऑरेंज कैप के विनर इस साल के ऋतुराज गायकवाड़ बने ने, जिन्होंने 635 रन बनाए, 4 अर्धशतक और 1 शतक जिनमें शामिल है, इनामी राशि के तौर पर 10 लाख रुपए मिले। उसके बाद आ जाता है पर्पल कैप की। तो पर्पल कैप के विनर इस सीजन के हर्षल पटेल रहे, जिन्होंने इस सीजन में 32 विकेट लिए और इनको भी 10 लाख रुपए मिले। अगला अवार्ड है इमेजिंग प्लेयर का। इमेजिंग प्लेयर ऋतुराज गायकवाड़ को मिला और ऋतुराज गायकवाड़ ने इस सीजन में सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किए, 635 रन बनाए, तो इनको भी 10 लाख रुपए इसके मिले। उसके बाद आ जाता है गेम चेंजर ऑफ द सीजन। गेम चेंजर ऑफ द सीजन का खिताब हर्षल पटेल को मिला और हर्षल पटेल को इसके भी 10 लाख रुपए मिले। उसके बाद आ जाता है सबसे ज्यादा छक्के मारने वाले इस सीजन में खिलाड़ी का नाम, तो वो है केएल राहुल। केएल राहुल ने इस सीजन में सबसे ज्यादा 30 छक्के लगाए हैं। उसके बाद आ जाता है परफेक्ट कैच ऑफ द सीजन। तो परफेक्ट कैच ऑफ द सीजन का खिताब रवि बिश्नोई को मिला और रवि बिश्नोई ने इस सीजन में केकेआर के खिलाफ सुनील नारायण के कैच बेहतरीन लिया था, तो उसको भी 10 लाख रुपए मिले। उसके बाद पावर प्लेयर ऑफ द सीजन का खिताब वेंकटेश अय्यर को मिला, जो कि कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाड़ी है और 3 बार पावर प्ले अवार्ड इन्होंने जीता है। उसके बाद आ जाता है सुपर स्ट्राइक ऑफ द सीजन का खिताब। तो सुपर स्ट्राइक ऑफ द सीजन का खिताब शिमरन हेटमेयर को मिला, जिन्होंने 168.05 के स्ट्राइक रेट से 242 रन बनाए, इनको भी 10 लाख रुपए इसके मिले। उसके बाद लास्ट जो है मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर यानी कि प्लेयर ऑफ द सीजन का खिताब हर्षल पटेल को ही मिला, जिनकी इनामी राशि के तौर पर 10 लाख रुपए इसके भी मिले। तो इन्होंने इस सीजन में 32 विकेट लिए। तो दोस्तों वहीं आईपीएल 2021 के फाइनल मुकाबले का मैन ऑफ द मैच फैफ डुप्लेसिस बने, तो वहीं हर्षल पटेल को टोटल 3 अवार्ड मिला इस सीजन का। तो दोस्तों इनमें से आपका फेवरेट खिलाड़ी कौन सा और आपको क्या लगता था, शिमरन हेटमेयर को भी सुपर स्ट्राइक ऑफ द सीजन का खिताब मिलेगा, वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस।